हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाइपोथेटिस बी। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंडाल्को के ऊपर मैं आपको 2 मई को वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद वीडियो अपलोड किया था, उससे पहले भी हिंडाल्को के ऊपर मैं फ्रेश बाइंग दिया था दोस्तों, फ्रेश बाइंग। जब से मैं हिंडाल्को के ऊपर बात कर रहा हूँ आप सभी को, मैं यही बताते आया हिंडाल्को में 17 अप्रैल नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट करिए। एंड हिंडाल्को में फ्रेश बाइंग भी दिया था मैं फ्रेश बाइंग का वीडियो देख रहा हूँ, कब डाला था याद नहीं है। यहाँ पे देखो, 10 अप्रैल को मैं फ्रेश बाइंग दिया था हिंडाल्को पे। 10 अप्रैल से लेके 28 मार्च, 10 अप्रैल 10 अप्रैल से लेके हमारा जो 400 का प्राइस था, 40 से लेके 405 तक आप बाइंग ले लीजिए। यहाँ पे यहाँ से मैं बाइंग देते हुए 440 तक के टारगेट दिया था, स्टॉक 449 गया, हमारे टारगेट अचीव हो गए। हमारे टारगेट क्या हुए भाई? अचीव हो गए। जब हमारे टारगेट अचीव हुए हैं तो मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ होल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन है। अगर स्टॉक 200 EMA का लेवल ब्रेक कर रहा है तो उसे ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक करना चाहिए नेक्स्ट ऊपर जाने के लिए। जब तक ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक नहीं करेगा स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। इसके लिए मैं कभी भी सेफ ट्रेड में 10% 8% महीने का प्रॉफिट बुकिंग में मैं आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करवाते रहता हूं दोस्तों। अभी स्टॉक क्या कर रहा है? अभी स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। स्टॉक अभी इस लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अभी आगे एनालिसिस में जाने से पहले दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक नेगेटिव है, कुछ स्टॉक पॉजिटिव है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किसको रखना है किसको निकालना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अभी तक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। अभी हिंडाल्को MACD लूज कैंडल फॉर्मेशन है, RSI ओवरसोल्ड नहीं है, इसका मतलब हिंडाल्को फिर से ऊपर जाने वाला है। तो हम लोग अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़े भाई? इसीलिए हम लोग अभी भी अपॉर्चुनिटी अपना छोड़ नहीं रहे हैं। तो अभी हम लोगों को करना क्या है? अभी हम लोगों को सेम लेवल जो प्रीवियस टाइम हम लोगों ने फ्रेश बाइंग लिया है, क्या लिया है? फ्रेश बाइंग, उस पर ही हम लोग सेम काम करेंगे सेम, पर यहाँ पे टारगेट डिफरेंट है। यहाँ पे 445 का है एंड ब्रेकडाउन लेवल 417 का है, रिसेंट ब्रेकडाउन लेवल 432 का है। इसका मतलब इस बार जो टारगेट लगने वाली है, इस बार जो हमारा पहला टारगेट होगा ये होगा 425 एंड 437 एंड 445, ये वाले नए ब्रेकडाउन लेवल के नए टारगेट्स। एंड जब तक अपना ये वाला लेवल ब्रेक होगा नहीं, हम लोगों को एवरेज मिलेगा नहीं, तो इस बार भी एवरेज क्वेश्चन मार्क लेके चलिए दोस्तों। ये था मेरा एनालिसिस अपने हिंडाल्को पे। अगर आपको स्टॉक के ऊपर एनालिसिस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।